और जवाब मिलेगा कुछ। हम पूछ रहे कितने लोग बेरोजगार हैं, तो जवाब मिलेगा कुछ। अब अधिकारी बोलता है स्काई इज पिंक, तो बोलते हैं मंत्री जी स्काई इज पिंक। वाटर इज ब्लैक, तो मंत्री जी बोलते हैं वाटर इज ब्लैक। दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह मनरेगा मैन के नाम से जाने जाते थे। सवाल ये नहीं कि आखिरकार रघुवंश प्रसाद सिंह का हम नाम क्यों ले रहे हैं। आखिर आपको बता दें कि मनरेगा को लेकर आज सवाल सदन में खड़ा हो गया है। रोजगार को लेकर आज जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही है, और अब मनरेगा में जो वेबसाइट है उस पर कुछ आंकड़ा दिया गया और जो मंत्री हैं उनका जवाब अलग आया। तेजस्वी यादव का ये सवाल था और ये सवाल को लेकर तेजस्वी यादव आज सदन में पहुंचे और बिहार सरकार के मंत्री पर और यह आरोप लगाया कि जो जवाब है वो गलत दिया जा रहा है। तो श्रवण कुमार ने इस बात को कहा कि अगर कोई अधिकारी ने गड़बड़ जवाब दिया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि बल्कि जिस तरीके से जो वेबसाइट पर आंकड़े दिए गए हैं और जो उनको जवाब दिए गए हैं दोनों में अंतर है। इसको लेकर तेजस्वी यादव काफी आक्रामक नजर आए सदन के अंदर। उसके बाद जब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 62 लाख लोगों की नौकरी की बात सरकार कर रही है और 61 लाख लोगों को नौकरी भी मिल गई है, लेकिन यानी कि 99% लोगों को काम दे दिया गया, लेकिन कई एक करोड़ जो लोग हैं वो आवेदन दे रखे हैं और जिस तरीके से कहा जाए तो उस पर अब तक कोई बात नहीं हुआ। तेजस्वी यादव इसी को लेकर आरोप लगाए हैं, मंत्री पर जमकर निशाना साधा है और अधिकारियों को लेकर कहा कि अगर मंत्री को कह दिया जाए कि जो वाटर इज ब्लैक तो मंत्री वही पढ़ेंगे कि वाटर इज ब्लैक। किस तरीके से उदाहरण दिया तेजस्वी यादव ने, जरा वो सुनिए। ये बड़ा, अब बताइए, अब ऐसे मंत्रियों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। और हमने भी कहा इसमें जांच के लिए 7 दिन क्यों लगेगा भाई, आप वेबसाइट खोलिए देख लीजिए आंकड़ा, उसी टाइम दंडित कीजिए। इसमें जांच क्या करेंगे, कौन सा जांच करेंगे? और आज तक जांच में किसी को सजा हुई है? अगर जांच में अधिकारी झूठा दिया है मंत्री को रिपोर्ट, अब मंत्री झूठ पढ़ता है तो झूठ पढ़ने वाले को भी तो सजा होनी चाहिए ना। तो मंत्री है यानी मंत्री का काम भी नहीं कर रहा। मंत्री सदन में अगर जवाब दे तो क्रॉस चेक करके, एग्जामिन करके, सारा चीज देख करके सदन में सच बोलना चाहिए। नहीं तो इस लोकतंत्र के मंदिर का क्या मतलब है? हम सवाल पूछेंगे कुछ और जवाब मिलेगा कुछ। हम पूछ रहे कितने लोग बेरोजगार हैं, तो जवाब मिलेगा कुछ। अब अधिकारी बोलता है स्काई इज पिंक, तो बोलते हैं मंत्री जी स्काई इज पिंक। वाटर इज ब्लैक, तो मंत्री जी बोलते हैं वाटर इज ब्लैक, है ना। तो ऐसे अगर सरकार चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों का क्या होगा। आप लोग सब लोग को हम लिंक भी अगर फॉरवर्ड कर लेंगे तो आप भी एग्जामिन कर लो ना, कई विभागों में। अरे भाई, आप न्यूज चैनल है, हम आपको लिंक भी दे दिए विथ एविडेंस विथ सबूत, सरकार का उत्तर ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। छोटा सा सवाल है, इसलिए हमने अध्यक्ष महोदय को बोला भाई कमेटी और एक मापदंड तय होना चाहिए, और दूसरे राज्य की असेंबली क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रहा है, अगर झूठा जवाब आता है तो उसके विरुद्ध ये क्या कदम उठा रहे हैं एक बार उसमें भी एग्जामिन कर लीजिए। दूसरे राज्य की असेंबली में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या सजा प्रावधान किया जा रहा है, उस हिसाब से एक मापदंड जो है, क्राइटेरिया जो है वो तय होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। हमने राय ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जो है जब ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया गया था, तो हमने रखा। इसमें एक छोटा सा सवाल है, फिर से संशोधन की तैयारी है शराबबंदी कानून में।